So, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से देखें आप। क्वेश्चन कहते हैं इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एबी। क्वेश्चन 4 में पॉइंट सी को हमने पॉइंट सी को एबी का मिड पॉइंट कहा गया। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें प्रूफ करने हैं दैट एवरी लाइन सेगमेंट, जितने भी लाइन सेगमेंट होती हैं सभी की सिर्फ केवल वन और वन ही मिड पॉइंट होती हैं। हमें प्रूफ करने हैं दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, केवल एक ही मिड पॉइंट होती है सभी लाइन सेगमेंट की। तो सपोज दैट हम कंट्रारी सपोज करते हैं, उल्टा हम सपोज करेंगे। ओके, सपोज दैट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ओके, और इसके मिड पॉइंट क्या है, सी। और एक और मिड पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं, दैट इज सी एन डी, वॉट इट। ओके, सो हियर नाउ अब हमें प्रूफ करने हैं दैट जितने भी लाइन सेगमेंट होती हैं सभी की वन और ओनली वन मिड पॉइंट होती है। तो सॉल्यूशन वी विल डू हियर, हम सपोज करेंगे लेट अस टेक ओके टू मिड पॉइंट सी एंड डी। लेट अस टेक टू मिड पॉइंट्स सी एंड डी ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी के दो मिड पॉइंट हम ले लेते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी के हम दो मिड पॉइंट ले लेते हैं सी एंड डी। नो, हमें क्या प्रूफ करने हैं कि सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होती है। तो जस्ट लुक हियर, हमने सपोज दो कर लिया तो ऐसे फर्स्ट को देखते हैं ऐसे कितनी होनी चाहिए। अगर ए सी मिड पॉइंट है देन व्हाट विल बी ऐसी, ऐसी ए बी की हाफ होगी, ऐसी विल बी हाफ ऑफ ए बी। अगर डी मिड पॉइंट है तो एडी विल बी व्हाट, इफ डी इज मिड पॉइंट एडी इक्वल्स टू, ये भी हमारी हाफ ऑफ ए बी होगी, एडी विल बी ऑल्सो हाफ ऑफ ए बी। दिस इज सपोज कर लेते हैं इक्वेशन वन, इसे सपोज कर लेते हैं इक्वेशन टू। हम इक्वेशन वन और टू से देखते हैं दैट हाफ ऑफ ए बी इज ए सी एंड हाफ ऑफ ए बी इज एडी। ए बी के हाफ ए सी है, दूसरी तरफ ए बी के हाफ एडी है। ओके, जब ऐसी कंडीशन है देन दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, अगर ऐसे है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इट मीन दिस इज इक्वल टू दिस। ये तभी हो सकता है जब ये दोनों आपस में इक्वल हो। ओके, देयरफॉर ए सी इक्वल्स टू ईडी। कैसे, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई भी चीज अगर इक्वल है सेम चीज की तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। हाउ, आप रिटर्न करेंगे थिंग्स which are equal to the same thing, which are equal to the same thing, to the same thing are equal to one another, are equal to one another. Understood? Clear है? सबसे पहले हम फिगर को ही समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए सी इक्वल्स टू बी डी, अगर ए सी बी डी के बराबर हो, दिस इज बी डी, अगर ए सी बी डी के बराबर हो, ए सी इक्वल्स टू बी डी, देन हमें प्रूफ करने हैं दैट ए बी इक्वल्स टू दिस, ए बी इक्वल्स टू बी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी। हमें प्रूफ करने हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी, वी हैव टू प्रूफ दिस वन, ए बी इक्वल्स टू सी डी। गिवन है ए सी इक्वल्स टू बी डी, दिया हुआ है ए सी बी डी के बराबर है, ए सी इक्वल्स टू बी डी।
प्रूफ क्या करने हैं हमें, AB इक्वल्स टू CD, ओके क्लियर है। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देंगे, गिवन है, क्या गिवन है, AC इक्वल्स टू BD, AC इक्वल्स टू BD, इसे हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन वन, AC BD के बराबर है, AC इक्वल्स टू BD। हम AC को क्या सपोज कर सकते हैं, AC मींस AB प्लस BC, आप देख सकते हो AC में दोनों आ जाएंगे, AB भी और BC भी, सो AC इक्वल्स टू वन, देयरफॉर AC इक्वल्स टू AB प्लस BC, AB प्लस BC और AC इक्वल्स टू AB प्लस BC, इसे हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन टू। ये तभी पॉसिबल है जब B बीच में है AC के बीच में, सिंस पॉइंट B लाइज बिटवीन A एंड C, पॉइंट B A और C के बीच में लाइज करता है, ओके। नाउ BD, अब हम BD लेते हैं, BD इक्वल्स टू CD प्लस BC को हम ऐड कर देंगे, क्या आएगा BD, okay? इसे सपोज कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड। नाउ बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड की वैल्यूज को हम पुट करेंगे, मींस AC और BD की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन वन में। सो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ AC एंड BD इन इक्वेशन वन में AC और BD के वैल्यूज को रखने पर AC कितने के बराबर है, व्हाट इज AC, AB प्लस BC, सो AB प्लस BC इक्वल्स टू AB प्लस BC, और BD कितनी है, BD की वैल्यू क्या है, CD प्लस BC, ये हमारा आया। पुट करने के बाद AC और BD के वैल्यूज को रखने के बाद यहां पे इक्वेशन वन में ये हमारा आता है AB प्लस BC प्लस C इक्वल्स टू CD प्लस BC। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, यहां पे AB प्लस BC इक्वल टू CD प्लस BC, अगर हम BC को ये साइड ट्रांसफर करते हैं, साइन चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगा माइनस BC, सो प्लस BC और ये साइड आने पे माइनस हो जाएगा, सो हम इसे डायरेक्टली यहीं पे कट कर लेते हैं, BC क्रॉस्ड, व्हाट इज लेफ्ट, देयरफॉर AB इक्वल्स टू CD, क्या बच जाता है हमारा, AB इक्वल्स टू CD, एंड वी हैव टू प्रूव इट ऑल्सो, हमें यही प्रूव करना था दैट AB इक्वल्स टू CD, यू नो how that is also based on these, if equals are subtracted from the equals the remainder is also equal, agar equal bc ye dono aapas mein equal hai aur bc bhi dono mein equal hai, agar hum equal mein se equal ko subtract karte hain to remainder bhi hamara kya hota hai equal, humne dekha ab aur cd equal hai, so we can write on here subtracting equal from equals, subtracting equals from इक्वल में से इक्वल को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आता है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वल फ्रॉम इक्वल, हमने इक्वल में से इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारे रिजल्ट आया दैट इज AB इक्वल टू CD, जो कि ये दोनों भी इक्वल ही है। अंडरस्टूड, आया समझ में, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे ढंग से क्लियर है, आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल है।